हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। आज बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। अशोक लेलैंड अभी करंट प्राइस चल रहा है 175 का है, 175 पर अभी चलने दीजिए। अब यहाँ से रिवर्स ले सकता है, बट अभी एक रेंज में फंसा हुआ एक चैनल जो बनाया हुआ है और ये इसी तरह मूव कर रहा है। ये चैनल एक अपर ट्रेंड ये होगा, डाउन ट्रेंड ये होगा। ये चैनल में देखा जाता है, चैनल में बहुत दिन से इसी रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ इस तरह सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जा रहा, तो ऊपर तो जाना स्वाभाविक है, ऊपर तो जाएगा, ये तो कंफर्म है। बट एंट्री कब लेनी है, एंट्री कब लेनी, जब एंट्री 176 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता आज तभी बाई करनी है। अदरवाइज इसको थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। नहीं तो अभी यहाँ पे आप बाई करते हैं, ये यहाँ पे आकर टच कर जाएगा 169-170 पे। तो 176 के ऊपर आज क्लोजिंग करता है तो आप इसमें बाई कर लीजिए। 3:25 पर देखिए, अगर ये 176 के ऊपर चल रहा है तो आप इसमें बाई कर लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, 2-4 दिन के लिए। तब तक यहाँ पे जाता तो आप टारगेट ज्यादा मत रखिए, टारगेट जैसे ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 185-184 के करीब में टारगेट आप रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद फिर से यहाँ से एक बार रिवर्स हो सकता है, यहाँ से फिर से एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसमें इतना ही है, बाकी इस रेंज जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें आगे बढ़ने की संभावना, मतलब आगे जा ही नहीं सकता। ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाने के बाद सस्टेन किया डेली कैंडल तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज डेली कैंडल सस्टेन नहीं किया, ऊपर गया, दिन भर रहा, फिर नीचे चला जाएगा। तो जब ये रेंज ब्रेक करता और डेली कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करता है 190 के ऊपर, तभी आप इसमें एंट्री बनाइए लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अभी आप छोटा छोटा प्रॉफिट इसमें लेके निकलते रहिए। तो यही है इसमें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।